नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियों की खबर से। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसको लेकर बीजेपी दफ्तर में बड़े नेताओं की बैठक हुई। बैठक में नव निर्वाचित सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। मोहन यादव ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार चली। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहे, बाकी भी जानकारी लेके बढ़ाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार चली। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहे, बाकी भी जानकारी लेके बढ़ाऊंगा। तो शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हैं। लाल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोपहर 12 बजे कल ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री शपथ ले सकते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो सकते हैं शपथ ग्रहण में शामिल। कल दोपहर 12 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह जो है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो मैं उसमें आयोजित किया जाएगा। हम उस वक्त वहां मौजूद है। तमाम जो तैयारियां हैं अब उनको अंतिम रूप दिया जाने लगा। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद कल रात को ये डिसाइड हुआ कि 13 तारीख को, यानी कल छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी कल शपथ ग्रहण होगा, उसकी तैयारियां जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक विशाल डोम जो है लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम जो नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और तमाम जो अन्य नेता हैं उनके पहुंचने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो कल मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे, उनके साथ दो डिप्टी सीएम होंगे और कुछ नए मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो करना अब शुरू कर दी है और अब से कुछ दिन बाद जो तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और कल दोपहर 12 बजे नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ साइलेंस सिंह, न्यूज 18 भोपाल। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान मिलने के बाद अब मंत्रियों पर सस्पेंस है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है मंत्री पद के दावेदार। तो मंत्री पद के दावेदारों में एक नाम सिंधिया समर्थक गुर्जर नेता एदल सिंह कंसारा का भी है। प्रद्युम्न सिंह तोमर वर्तमान मंत्री सिंधिया समर्थक हैं। भूपेंद्र सिंह जो ओबीसी समाज से आते हैं और शिवराज सिंह खेमे के हैं। वहीं सिंधिया समर्थक राजपूत नेता गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इंजीनियर प्रदीप लारिया, शैलेंद्र कुमार जैन, हरिशंकर खटिक, दिव्यराज सिंह, ये मध्य प्रदेश में मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभावनाएं इन नामों को लेकर है। एदल सिंह कंसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर, जय सिंह मरावी, मीना सिंह, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत ये मंत्री हो सकते हैं। संजय सत्येंद्र पाठक, ओम प्रकाश ध्रुवे, राव उदय प्रताप सिंह, हेमंत विजय खंडेलवाल, हरि सिंह रघुवंशी, विष्णु खत्री, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, ये तमाम नाम भी शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता मोहन सिंह यादव को चुन लिया गया। कल वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की और उनके साथ कुछ और चेहरे भी मंच पर नजर आ सकते हैं जो मंत्री पद की शपथ लें। कौन कौन से संभावित नाम हैं वो हमने आपको बताए और अब सभी को इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का। तो रीति पाठक महिला कोटे से मंत्री बनाई जा सकती हैं। प्रताप सिंह हैं जो राजपूत समाज से आते हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो मंत्री भी रहे और साथ ही नारायण सिंह कुशवाहा ओबीसी समाज का चेहरा, इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। जगदीश देवड़ा तो उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा तुलसीराम सिलावट,
उषा बाबू ठाकुर, मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला, इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। तमाम नाम, संभावित नाम सामने आ रहे हैं। कौन कौन से हम आपको बता रहे हैं। एदल सिंह कंसाना हैं, सिंधिया समर्थक हैं, गुर्जर समाज से आते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर है, एक बार फिर मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये भी सिंधिया समर्थक हैं। ओबीसी समाज से आते हैं भूपेंद्र सिंह, शिवराज सिंह खेमे के हैं। सिंधिया समर्थक राजपूत नेता गोविंद सिंह राजपूत भी हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। इंजीनियर प्रदीप लारिया हैं, शैलेंद्र कुमार जैन हैं, हरिशंकर खटिक, दिव्यराज सिंह, आदिवासी नेता जयसिंह मरावी, मीना सिंह, ये भी आदिवासी समाज से आती हैं। संजय सत्येंद्र पाठक ब्राह्मण समाज से आते हैं। ओम प्रकाश ध्रुवे, राव उदय प्रताप सिंह, हेमंत विजय खंडेलवाल, हरि सिंह रघुवंशी, विष्णु खत्री, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, इंदर सिंह परमार, विजय शाह, अर्चना चिटनिस, बालकृष्ण पाटीदार, निर्मला भूरिया, मोहन यादव को कमान मिलने के बाद अब इंतजार है कि मोहन यादव की सेना में यानी कि उनकी कैबिनेट में कौन कौन हो सकता है, कौन चेहरा दिख सकता है यहां पर देखने को मिल सकता है। राजतिलक की तैयारी हो चुकी है, कल होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे उसमें, और ऐसे में दो उप मुख्यमंत्री और कुछ और चेहरे जो मंत्री पद पर दिखाई दे सकते हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मोहन यादव के नाम के ऐलान के साथ ही अब उनकी कैबिनेट में कौन होगा, उन नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जी अर्पणा, देखिए यहाँ पर अब मोहन यादव कल शपथ लेने जा रहे हैं, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। कल सीएम के रूप में मोहन यादव शपथ लेंगे और उनके साथ दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल शपथ लेंगे, ये तय हो चुका है। लेकिन उसके अलावा हम आपको ताजा अपडेट दें, कल और कोई भी मंत्री शपथ नहीं लेगा, ये तय हो चुका है। कल एक सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, ये तय है। इसके अलावा जहां तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ राज्यों के सीएम आ सकते हैं। अगर अब हम बात करें कि जो मोहन यादव की कैबिनेट होगी, तो अभी इस कैबिनेट को लेकर, नए चेहरों को लेकर बीजेपी आज मंथन करेगी। संगठन के प्रमुख नेता आज शाम को यहां पर बैठेंगे बीजेपी कार्यालय में और सारे नामों को लेकर आज देर रात तक मंथन चलेगा। तो एक बात तो साफ है कि कल कोई भी मंत्री शपथ नहीं लेगा, ये बिल्कुल भाजपा ने तय कर लिया है। कल एक सीएम और दो डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। अब बात करी जाए जो कैबिनेट को लेकर है, तो निश्चित ही क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 का चुनाव है, लोकसभा का सबसे बड़ा चुनाव, तो उसके मद्देनजर यहां पर जो मंत्री बनाए जाएंगे उसमें एक तो सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा ध्यान रखा जाएगा और सभी क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाने के लिए, चाहे मालवा निमाड़ो जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली है, इसके अलावा विंध्य महाकोशल क्षेत्र हो, बुंदेलखंड हो, बघेलखंड, इन सभी क्षेत्रों में बराबर का प्रतिनिधित्व देने की एक कोई तैयारी है। इसीलिए संगठन के प्रमुख नेता आज के यहां पर जो अब स्पीकर बनने वाले हैं जो नरेंद्र सिंह तोमर, वो भोपाल में ही मौजूद है, तो आज ऐसा लग रहा है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर आएंगे। तो जो प्रमुख नेता प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, ये सभी यहां पर आज शाम को मंथन करेंगे और दिल्ली बात की जाएगी, क्योंकि यहां जो मंत्रिमंडल का गठन होना है उसमें पुराने नेता और नए नेताओं के बीच तालमेल भी बनाना है। एक ऐसा संतुलित मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा जिसमें कि कुछ पुराने नेताओं को तरजीह दी जाएगी जो कि अनुभवी हो, लेकिन साथ ही साथ कई नए चौंकाने वाले चेहरे इस मंत्रिमंडल में भी नजर आएंगे। अभी तक चर्चा यही है कि यहाँ पर वो पैटर्न पर काम किया जाएगा जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा नए युवा चेहरों को मौका दिया जाए और बिल्कुल नए चेहरे हों, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो चार बार से जीते हुए हैं, पांच बार से जीते, लेकिन वो लगातार जीतने के बाद भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा सके थे। तो ऐसे चेहरों पर भी इस बार पार्टी फोकस करेगी। तो अभी हम जिन नामों पर चर्चा कर रहे हैं, नाम अभी दौड़ में आगे हैं, लेकिन एक और चीज मैं आपसे वापस पूछना चाहूंगी जो आपने अपनी बात के शुरुआत में कही थी। आपने कहा कि कल सिर्फ मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे, मंत्री कोई नहीं होगा।
जी बिल्कुल, ये तय हो चुका है, ये पार्टी संगठन ने तय कर लिया है। तो कल एक बात साफ है कि कोई भी मंत्री शपथ नहीं लेगा, लेकिन हम आपको ये भी अपडेट दे दें कि आने वाले 3 दिन के अंदर ये जो मोहन यादव की नई कैबिनेट है इसका भी गठन होना लगभग तय है, क्योंकि 16 दिसंबर से खरमास लग रहे हैं और बीजेपी बिल्कुल, तो खरमास से पहले ही बीजेपी कैबिनेट भी डिसाइड कर लेगी जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो शैलेंद्र यहां पर इस बात को साफ करते हुए कि कल सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ही होगी और आगे के अगले 3 दिन के अंदर ही कैबिनेट भी डिसाइड हो जाएगी, शैलेंद्र बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और वो करें बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के बयान से जुड़ी हुई। बड़ा बयान दिया है दिल्ली ना जाने के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उस समय से सब लोग दिल्ली में थे, तब मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मेरा ऐसा मानना है, अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए, बीजेपी में हर कार्यकर्ता के लिए काम है, बीजेपी एक मिशन है, जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका पालन करूंगा। तो शिवराज सिंह चौहान का यह बड़ा बयान, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर दिया है। चुनाव के दौरान कभी 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने की ड्यूटी सबकी थी, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा थी मुख्यमंत्री के नाते। तो मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए, 2018 की कसक मन में रह गई थी, तो मुझे लगता था कोई भी कसर ना रह जाए, इसलिए मैंने प्राण से काम किया। एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी, देखिए जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहां हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है, तो जो भी पार्टी काम देगी वो मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा, मेरी पार्टी करेगी। तो मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा और अपने बारे में मैं कोई फैसला नहीं लेता, पार्टी फैसला लेती है। यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने इरादे भी साफ कर दिए और पार्टी का सिपाही भी खुद को बता दिया। बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा ने की मोहन यादव से मुलाकात। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव से मुलाकात की, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शिवराज सरकार में गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा, हालांकि इस विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, यहां मोहन यादव से मुलाकात करने पहुंचे। उनकी बहुत, देखिए हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका बहुत लंबा संसदीय कार्य का अनुभव है और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के दोनों तरह के काम के अनुभव वाले, जिनको मंत्रिमंडल का भी और पार्टी का भी, और मैं समझ सकता हूँ कि उनकी बहुत आवश्यकता है, कई सारे मामलों में चर्चा करने के लिए मैं उनसे आया था। मैं उनका एक तरह से कॉलेज जीवन से ही बहुत अच्छे से गहरी मित्रता वाला भाव मेरे प्रति रहा है। तो वहीं कमलनाथ ने भी की मोहन यादव से मुलाकात, वीआईपी गेस्ट हाउस में मिलने पहुंचे कमलनाथ, मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहां कमलनाथ ने मोहन यादव से मुलाकात की, वीआईपी गेस्ट हाउस में ये मुलाकात हुई, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर कमलनाथ से मिलने पहुंचे, कमलनाथ से मुलाकात की है मोहन यादव। बहुत मैं कोई मन पे लेके चलता नहीं हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए सामान्य दिन की तरह लिया, लेकिन ये बात सही कि जवाबदारी हमको सेवक के नाते से मिली है और सेवा की भावना के आधार पर क्या जनता के बीच में कर सकते हैं और कितनी सेवा कर सकते हैं, ये लगातार उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। और कल चूँकि पहले शपथ का कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से सारे बड़े बड़े हमारे जो मार्गदर्शक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है,
तो कहीं हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। सर, पार्टी ने और जनता ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है और 24 की चुनौती आपके सामने है। आप सबके सहयोग से पूरा करें। आया था, मैंने कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर विपक्ष के तौर पे? विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश की भविष्य की। सर, मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस की आप ही संभालेंगे? अब ये सब बात सोच रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहा हूं मैं। तो मोहन यादव से मुलाकात करने के बाद यहां पर कमलनाथ मीडिया से बात करते हुए, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर मिलते ही उनके ससुराल सुल्तानपुर में जश्न का माहौल है। ससुराल वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और बधाई दी। दरअसल नगर कोतवाली के डेवा मोहल्ले के रहने वाले ब्रह्मदीन यादव की बेटी सीमा यादव की शादी मोहन यादव से हुई थी। वर्तमान में मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए थे। शिवराज सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव के मध्य प्रदेश के सीएम बनने की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर में जश्न का माहौल हो गया। उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, बधाई दी। भाग्य भगवान की शुक्रिया है। उत्तर प्रदेश के निवासी उज्जैन में जाके शादी करते हैं, कौन जाता है वहाँ शादी करने? लेकिन लड़की ने TS कॉलेज से MA पास किया था, वो वहाँ विद्यालय पर काम करती थी लड़की भी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।